हाँ तो भाई कैसे हो सभी। सो फाइनली भाई आज कला स्टार ने बस 5 मिनट पहले ही 100 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं और पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं अभी तक स्टिल नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। और इसके अलावा 8.8 मिलियन लाइक्स हो चुके हैं विथ 9.3 लाख कमेंट्स। तो कमेंट्स भी यार जल्दी से 1 मिलियन करवा दो। खैर इसके अलावा मोस्ट सब्सक्राइब DHH रैपर्स की लिस्ट आ चुकी है। अक्टूबर में किसके सब्सक्राइबर्स सबसे ज़्यादा बड़े हैं तो ऑफकोर्स यार अपने हनी पाजी टॉप पे हैं। उनके लगभग 460K सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं उनके खुद के पर्सनल यूट्यूब चैनल पे। बाकी के नाम आप नीचे देख ही सकते हो। और इसी के साथ मोस्ट फॉलोअर्स गेनिंग DHH रैपर्स की भी लिस्ट आ चुकी है अक्टूबर मंथ की। और इंस्टाग्राम पे हनी पाजी के ऑलमोस्ट 2 मिलियन फॉलोअर्स गेन हुए हैं इस महीने, 1.8 मिलियन। बाकी के नीचे के रैपर्स आप देख ही सकते हो। भाई एक बात समझ नहीं आ रही है, जो टॉप पे बैठा था और कह रहा था मैंने सीन चेंज कराया समोसे वाला, वो तो इस लिस्ट में है ही नहीं। और भाई हाँ गिरफ्तार ऑल्सो नोन एज राखी, भाई वो बंदा भी नहीं दिख रहा है दोनों की दोनों लिस्ट में। उसने तो खुद अपने मुंह से यही कहा था मैं इंडिया का बिगेस्ट रैपर हूँ, नंबर 1 रैपर। बिगेस्ट रैपर आपके अनुसार हमारे कंट्री में कौन है? रफू के USA टूर लाइव कॉन्सर्ट में सिर्फ 50 लाख आए और कितनी बेइज्जती कराओगे भी? एनीवेज इट्स योर बॉय सट्टीवाज। भाई का एक इंटरव्यू निकल के आया है जिसमें उनसे अगेन पूछा गया हनी पाजी के बारे में और उनके रिलेशन के बारे में इनके साथ। तो भाई के मुंह पे डर देखना, भाई इन्होंने सोच लिया होगा अंदर ही अंदर कि अब अगर मैंने गलती से कुछ भी बोल दिया तो भाई मुझे रेडी लगानी पड़ेगी समोसे की। बाकी इस बार अलग ही कुछ बोला है भाई ने कि क्यों रिलेशन खराब हुए थे, क्रेडिट मेरिट की बातचीत नहीं हुई है। When? Apparently, that's a question that is all I got is what happened between you and Honey Singh. And then I sat there and I thought, but you've already addressed this situation. You've already talked about the situation. I have talked about it so many times. It was just difference of ideologies. We just didn't get together. We just didn't get along together, however you want to put it. And he did his own thing. I'm doing my own thing. And you get that, right? Clash of personalities. That's it. Like, you know, and that's nothing more than that. झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। इसके अलावा इट्स योर बॉय सट्टेबाज भाई का एक ट्रैक आया था स्पॉन्सर्ड ट्रैक पिछले महीने और भाई उस पर व्यूज ही नहीं आ रहे थे और भाई ने डर की वजह से एड्स नहीं लगाए थे कि हनी पाजी की जनता बहुत ज़्यादा ट्रोल कर ही रही है, अब मेरा क्या होगा अगर मैंने एड्स लगा लिए। तो पूरे 1.5 महीने बाद भाई साहब ने एड्स लगाने चालू कर दिए। सोच रहे हो स्पॉन्सर्ड वीडियो पे एड्स लगाने पड़ रहे हैं, भगवान करे इतना गंदा पीक किसी भी आर्टिस्ट को ना मिले। खैर हनी पाजी ने जो कल ट्रैक अनाउंस करा था उसके कवर आर्ट में उनकी आपने बॉडी तो देख ही ली होगी, ट्रांसफॉर्मेशन देख ही ली होगी। 2010 में जो गोलियां ट्रैक था ना सेम वैसा लुक है हनी पाजी का भाई। और ये सिर्फ और सिर्फ हनी पाजी ने अपने फैंस के लिए करा है, खुद के लिए नहीं करा है। तो अप्रिशिएट जम के करो भाई अपने हनी पाजी के लिए, कोई आर्टिस्ट नहीं कर सकता भाई इतना अपने फैंस के लिए। क्योंकि कुछ लोगों का पेट ही कम नहीं हो रहा है, वो हनी पाजी को देख देख के कॉपी कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, मोटिवेशन ले रहे हैं, फिर भी उनका पेट कम नहीं हो रहा है। मैं तो बस इतना नहीं कहूंगा सट्टेबाज भाई से कि भाई इस साल कसम खा लो कि कैसे भी करके हनी सिंह को बीट कर और बिल्कुल लीन होके दिखाना है। चलो अभी अपन कुछ हनी पाजी के लेटेस्ट रिलीजेस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो स्पीड रिकॉर्ड्स ने जो है भाई ब्राउन रंग का लोफाई वर्जन निकाल दिया है, जी म्यूजिक लेवल ने 2 गाने निकाले हैं, आओ राजा का लिरिकल वर्जन एंड फंक क्लब का लिरिकल वर्जन। एंड इसमें जो लिरिक्स थे वो लिल गोलू के थे। इसके अलावा टी सीरीज अपना पंजाब ने भाई पंगा का रिमिक्स निकाला है और लिटरली ये मुझे थोड़ा सही लगा। बाकी इसके अलावा हनी पाजी का क्रेज देखना है भाई, पाकिस्तान तक बहुत तगड़ा पहुंच चुका है। उनकी जो लेजेंडरी टी शर्ट है ना देसी कलाकार बाली, भाई यंगस्टर्स का नाम आप सभी ने सुना होगा तला अंजुम एंड तला यूनिस, ये बेसिकली पाकिस्तानी हिप हॉप आर्टिस्ट हैं। तो तला यूनिस ने वही लेजेंडरी टी शर्ट पहनी हुई है अपने हनी पाजी की। तो अगर आपको भी वो खरीदना है तो भाई आज आपके लिए एक तगड़ा ऑफर है। जैसे कि हम सभी ने अभी काफ़ी टाइम पहले इसको लॉन्च करा था तो 800 रुपये की मिल रही थी, लेकिन अभी आज कला स्टार ने 100 मिलियन व्यूज कंप्लीट करे हैं तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने जो है भाई 500 की टी शर्ट कर दी है और आपको शिपिंग चार्ज भी नहीं लगेगा, पूरा 300 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जिस जिस भाइयों को खरीदनी है ना तो भाई वेबसाइट पे जाओ, मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, और जाके जल्दी से बाय कर लो। चलो इसके अलावा सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हनी पाजी के फैन हो तो ही करना पाए।